गाइस हमारा लोगो का जो ये लोगो है वो बंदा जो गाड़ी पे लिखवाने के बाद भाई साहब इसका जो लुक है भाई कुछ ऐसा दिख रहा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। तो फाइनली आज का सीन ये होने वाला, मैं आया हूँ अपनी गाड़ी को जो इसका मॉडिफिकेशन करवाना, इस पर चैनल के लोगो यहाँ पे लगवाना था, इसीलिए इस पर लोगो लगवाना है। अभी तो हम लोग जा रहे हैं लोगो लगवाने के लिए, इसके बाद हम लोग अभी वहीं पे जो भी सीन होगा वो देखा जाएगा। तो अभी गाड़ियाँ मजीद को ड्राइव करने के लिए बोल रहे हैं, बट इनको मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देखते भैया, चलते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। फाइनली गाइज यार हम तीनों लोग अब एक साथ मतलब कि एक ही गाड़ी पर बैठ चुके, और कि यहाँ से भैया ऐसा सीन होने वाला है कि अभी अभी जो गाड़ी का मॉडिफिकेशन का काम है वो भी करवाना है। तो इधर चलते हैं क्योंकि बट इधर ही जो रैपिंग का कार्य होता है उधर ही होता है, तो हम लोग इधर चलते हैं। और इधर के साइड का इंडिकेटर दे दिया हमने, बट भैया देखते हैं कि भैया कितना रुपये इसका खर्चा आता है। यहाँ भैया देख सकते हैं कि ना कितना ज़्यादा भारी वाहन इस पर चलते हैं। भाई साहब नेशनल रोड है ना, इसीलिए ये वाली रोड सबसे ज़्यादा रोड चलती रहती है। और तो इधर ही सामने एक आकाश रेडियम एंड बाइक का ये जो स्टोर है, यहीं पे हमें अपना बाइक का जो वो है करवाना है ये इस यहाँ पे। तो अब आप लोग देखते रहिएगा भैया। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं भैया की दुकान पे, बाइक का जो भी हो चैनल का लोगो है तो हम लोग लिखवाएंगे दोनों तरफ, मतलब कि टैंक में लिखवाना है एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो यहाँ पे पेंसिल लिखना पड़ेगा पहले, इसके बाद इधर सेकंड ब्लॉग लिखा। सुपर नहीं, मेरी ये यमहा है, तो जो ये वाली यमहा वाली बाइक, इस पर टैंक पे लिखवाना है। हाँ दोनों तरफ। अब मैं आपको आज ये दिखा देते हैं, 11 बजे रेड कलर में करना है ये। तो गाइस हमारा लोगो का जो ये लोगो है वो बंदा भैया यहाँ पे भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बना रहे हैं, तो अभी हम लोग अपने बाइक पे लगवा लेंगे क्योंकि इससे भाई अच्छा सा लुक मिलता है। और भाई सब जो भी वीवा से देखते हैं। हाँ भैया हाँ दोनों तक टैंक के इस तरफ इस तरफ भी। तो गाइस अपना जो चैनल का लोगो है वहाँ पे देखो बंदा है, भैया सही से आ नहीं रहा होता, ये ऐसे हमने लिखवाया है। तो गाइस अभी मैं सोच रहा था कि ये जो अपना हेलमेट है इसका भी मॉडिफिकेशन करवा लिया जाए, और बाइक का तो होने वाला है, बट सोच रहा हूँ कि भैया अपना जो हेलमेट का भी करवा लिया जाए। तो खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हो जाता है तो अच्छी बात है। पैसे मजबूत दे रहे हैं ना इसीलिए करवा रहा हूँ, वरना मैं नहीं करवाता है कि नहीं। मुझे पैसे दे रहे अभी देख रहे हैं, पैसे देने की बारी आएगी ना तो ऐसा भागेंगे ना कि यहाँ से मतलब ही बछड़ाओ छोड़ के चले जाएंगे। ये तो अपनी बाइक लोगों पहले लागे। तो गाइस हमारा जो लोगो है अभी भैया लगा रहे हैं यहाँ पे, एकदम से ओपी दिख रहा है यार। अब इसके आगे लगेगा लोगो यूपी का, ये लगवाया है आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे भाई ये वाला कलर बढ़िया अच्छे से मैच हो रहा है इसके साथ। लेटे हैं हाँ नई गाड़ी फिर ना, ये लोगो जो है एक इधर लगेगा एक उधर। इस पे लोगो उधर लगेगा पहले लगे। जो गाड़ी पे लिखवाने के बाद भाई साहब इसका जो लुक है भाई कुछ ऐसा दिख रहा है, और पीछे वाला भी जो है कि वो भी एकदम अच्छे से दिख रहा है। और इधर का जो है ना इस पे मैं सोच रहा हूँ पैनल पे यहाँ पे यमहा लिखवा लिया जाए आज।
तो अच्छा लगा। तो गाइस हम लोगों ने अपने जो गाड़ी का मॉडिफिकेशन का काम था वो हमने पूरा करवा लिया, अब जा रहे हैं फ्यूल अप के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत फ्यूल अप करवा लिया जाए, क्योंकि भैया गाड़ी में फ्यूल एकदम से लो हो रखा है, बस पता नहीं कहाँ पे गाड़ी बंद हो जाए और मुझे उसको धक्का देना पड़े। मैं तो नहीं धक्का दूंगा, बट जो लोग पीछे बैठे हुए हैं इन्हीं लोगों को मैं धक्का दिलाऊंगा, क्योंकि भैया ये पीछे बैठ गए हैं ना, आराम से मज़े लेते हुए आए हैं, तो इसका मज़े का कुछ बहुत तो फ़ायदा इनको मिलना चाहिए। और भैया यहाँ पे हम लोग फ्यूल अप करवाते हैं भैया, यहीं वाले पेट्रोल पंप पे, डीजल ले पेट्रोल यहीं पे, पेट्रोल यहाँ पे फ्यूल अप करवाएंगे अभी हम लोग। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। अच्छा मतलब ये जो टैंक वगैरह इनमें भरा जाता है, इनमें तो कितना आवत हुई, 300-400 लीटर तो आएगा? नहीं ये हिमा हिमा हार्ट अटैक वगैरह 100 नहीं यार, कम से कम 1000 लीटर आता होगा। भाई साहब 96 में हो रखा है डीजल पेट्रोल अपना, 89 में डीजल होगा, 96 में पेट्रोल है। तो गाइस मैं जैसे ही वहाँ से आया था बचपन से मैं सो गया था, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रखी थी और इसीलिए मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू वहाँ पे नहीं किया था। तो भैया अगर ब्लॉग थोड़ा भी बहुत पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, क्योंकि बड़ी मेहनत से भैया यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं आपको जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय भैया, टाटा टेक केयर, गुड बाय।